गर्ग जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगी मिस्टर सैयद उमर जी से, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज, की वो बुके भेंटकर सीएमडी सर का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत आप भी कीजिए। उपस्थिति अपनी दर्ज कराइए, ऐसे ही पता चलता है कि हाँ यहाँ पर मौजूदगी जिंदा दिल लोगों की है, जो देख रहे हैं समझ रहे हैं और किस तरह से दिल खोलकर स्वागत किया जाता है वो भी दर्शा रहे हैं। क्योंकि कुछ और मेहमानों का भी इंतजार यहाँ पर रहेगा, लेकिन बिना देरी किए मैं सबसे पहले चाहूंगी कि सीएमडी सर श्री जगदीश चंद्र जी यहाँ पर आए और वेलकम स्पीच दें। सर, आदरणीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी आज के समारोह के मुख्य अतिथि, हमारे सपोर्टर्स, स्पॉन्सर्स और राजस्थान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मार्फत शिक्षा के विस्तार का बीड़ा उठाने वाले मेरे सहयोगी, मैं आप सबका फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये एक छोटा सा प्रयास है जो फर्स्ट इंडिया ने आप सबके सक्रिय सहयोग और माननीय मंत्री जी के आगमन के साथ शुरू किया है। आज समाज और देश में जो चुनौतियां हैं उसमें बिजनेस की चुनौती के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चुनौतियां भी जुड़ गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 20 साल पहले देश कहाँ था और आज कहाँ है, मंत्री महोदय जानते हैं, जिनका बैकग्राउंड ही शिक्षा रहा है, प्रोफेसर रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि शिक्षा के विस्तार और प्रसार में प्राइवेट सेक्टर का कितना ज़बरदस्त रोल पिछले 20-25 सालों में एमर्ज हुआ है। और यही कारण है कि आज प्राइवेट क्षेत्र के शिक्षा संस्थानों की लोकप्रियता, रेटिंग, सक्सेस स्टोरीज शायद सरकार से कहीं आगे निकल गई हैं। तो एक चुनौती है सरकार के लिए, सरकारी संस्थाओं के लिए कंपीट करने की, और जिसे कहते हैं कि ग्राउंड प्लेइंग फील्ड पे, लेवल पे कंपीट करने की। हैव्स और नो हैव्स की बात नहीं है। अगर कोई सुविधा प्राइवेट यूनिवर्सिटी को है तो उसी पैरामीटर पे, उसी सुविधा पे, उन्हीं मानदंडों के साथ अगर हम उनकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करेंगे तो शायद ज़्यादा लोकतांत्रिक और ज़्यादा रैशनल होगा। वो तो सारे विषय का एक पहलू है। कुल मिला के यह एक प्रयास है छोटा सा जो हमने किया है। यह एक मौका है मंत्री जी के लिए भी कि प्राइवेट शिक्षा से जुड़े जो लोग आज मौजूद हैं उनकी समस्याओं को सुनने का, मिल के हल ढूँढने का। और एक बात का तो खास तौर पे ध्यान रखना होगा मंत्री महोदय, चाहे वो भारत सरकार की नीतियां हैं या राज्य सरकार की नीतियां हैं, कुल मिला के बिजनेस डाउन है सब जगह, अकेला रियल इस्टेट ही नहीं है। और रियल इस्टेट की बात जब हम करते हैं तो रियल इस्टेट केवल एक सेक्टर नहीं है, रियल इस्टेट इज़ ए कंट्री, उसको उसी ढंग से देखा जाना चाहिए। उसका असर आज पूरे देश में है। अभी मुझे बता रहे थे कि एडमिशन नहीं हो रहे, एडमिशन होते हैं तो बच्चा फीस जमा नहीं करा पाता, 2 महीने बाद डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा पे जो मंदी है या जो स्लो डाउन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, उसका इम्पैक्ट है। तो ये भी एक मौका है कि प्राइवेट सेक्टर का जो ये नेगेटिव डेवलपमेंट है, उनकी जो इश्यूज़ हैं आज आर्थिक मंदी के कारण से, क्या सरकार का भी कोई रोल हो सकता है उसे ठीक करने में, क्या राज्य सरकार का कोई रोल हो सकता है। तो इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए ऐसे मंच, डिस्कशन जो हम करते हैं, हमारे सहयोगी चैनल करते हैं, अखबार करते हैं, एक मौका, एक अवसर प्रदान करते हैं। और आप तो बहुत एक जागरूक शिक्षा मंत्री हैं, चाहे वो आप टेक्निकल से जुड़े हैं या हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, जैसा उन्होंने कहा कि टेक्निकल इज आल्सो एक्सटेंशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो एक मौका है और मुझे आशा है कि इस अवसर का सही उपयोग होगा
और आप भी इन लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में अपने स्तर से जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो ज़रूर करेंगे। वैसे ही मुख्यमंत्री जी आपकी बात मानते हैं, आपका कैबिनेट में प्रभाव है, तो मैं इन सब की तरफ से इनकी बात को अपनी बात से एंडोर्स करता हुआ आपसे अनुरोध करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर इस वेलकम स्पीच के लिए, और ये मुमकिन हो पाया तो आपकी वजह से कि हम एजुकेशन समिट कर रहे हैं। जागरूकता हर कोई कोशिश करता है समाज में फैलाने की शिक्षा को लेकर।